हेलो, नमस्कार दोस्तों। पूनम किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे अप्पम, जो कि बिल्कुल ऑयल फ्री होते हैं। इसमें एक भी बूंद ऑयल का प्रयोग नहीं होता है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता होता है। तो इसके लिए लिए हमने ये 1 कप। फ्रेंड्स, हमने एक ग्राइंडर लिया है, उसमें हम सूजी डाल देते हैं। मेजर हमें किसी कप या कटोरी से ही करना है, तो इसमें हम डालेंगे 1.5 कटोरी। ये हो गई है 1.5 कटोरी सूजी। तो देखिए फ्रेंड्स, जिस कटोरी से हमने सूजी ली है, उसी कटोरी से 1 कटोरी हमने ये दही लिया है। ये नॉर्मल टेम्परेचर पर होना चाहिए और खट्टा नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे ये 1/2 चम्मच चीनी और 1/2 चम्मच ये नमक। अब हम इसी कटोरी से मेज़र करके पानी डालेंगे। तो अभी ग्राइंडर में स्पेस कम है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। वैसे हमें इसमें 3 कटोरी पानी लेना है फ्रेंड्स। तो इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने ग्राइंड कर लिया है। इस तरह का बैटर है। इसको हम ढककर अभी 15-20 मिनट के लिए रख देते हैं। इसमें हमने अभी ये 1.5 कटोरी पानी डाल दिया है। और इसको हम मिक्स करके रख देते हैं 10 मिनट के लिए। जब तक फ्रेंड्स बैटर फूल रहा है, तब तक हम एक चटनी बनाते हैं। उसके लिए ली हमने ये रोस्टेड मूंगफली है और ये करी पत्ते हैं। कुछ आपके पास हरे वाले हों तो डालें, ये हमारे कुछ सूख गए हैं तो ये हमने वो डाले हैं। ये 2 हरी मिर्च है। अब हम इसमें मिलाएंगे ये थोड़ा सा, ये लगभग 2 चम्मच नारियल का बुरादा। अब हम इसमें डाल देते हैं ये 1 चम्मच नमक। थोड़ा सा पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये चटनी बनकर तैयार है। और हमको इतनी गाढ़ी रखनी है चटनी, तड़के के बिना चटनियाँ अधूरी होती है फ्रेंड्स। तो अब हम इसके लिए एक तड़का बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने तड़का बना लिया है। इसमें हमने 3 चम्मच ऑयल डाला है और थोड़े से ये राई के दाने और 2-3 करी पत्ते डाले हैं। इसको हम इस तरह डाल देते हैं। इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर देते हैं। बाकी बचा हुआ तड़का हम चटनी के ऊपर डाल देते हैं। हमारी चटनी बनकर तैयार है। अब हम देखते हैं ये जो हमने बैटर बना के रखा है, इसको रखे हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, 10-15 मिनट। तो बताते हैं अब क्या करना है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, जो हमने ये बैटर बनाया है, इसमें डालेंगे ये 1 इनो का पाउच डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसमें। देखिए फ्रेंड्स, तवे को हमने गरम कर लिया है। इसको लो टू फ्लेम पे बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 चमचा ये बैटर हमने लिया है और इसको इस तरह डाल देना है। अब इसको हम धीमे धीमे इसी तरह पकने देना है। इस पर अभी ये इस तरह इसमें जाले पड़ने लगे हैं। अब क्या करना है, इसको इसी तरह धीमे धीमे सिकने देना है। इसका कलर पूरा चेंज होता हुआ आएगा, देख रहे हैं आप, साइड से चेंज हो चुका है।
देखिए फ्रेंड्स, ये बन गया है और कितनी आसानी से निकल के आ गया है दोनों साइड से, कितना अच्छा सिका है। इसी तरह हम दूसरे बनाकर दिखाते हैं आपको, देखिए कितनी अच्छे इसमें बबल्स आई है। आप तभी देख जानेंगे कि ये पूरी तरह से बबल्स अच्छे से आ जाएं, उसका पूरा कलर चेंज हो जाएगा, तभी ये अच्छे से सीख पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह हम आपको दूसरा बनाकर दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये भी इसमें भी कितने बबल्स आ रहे हैं और ये जाली पड़ रही हैं। इसी तरह हमें सिकने देना है इसको, बहुत ही जल्दी और बहुत ही हेल्दी बनने वाला नाश्ता है ये। आप किसी भी टाइम सुबह नाश्ते में, शाम को बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कितनी आसानी से निकल आया है ये। देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे अपमम बने हैं, देखिए कितने सॉफ्ट और जालीदार बने हैं। इसी मेजरमेंट के साथ आप बनाएंगे तो आपके भी इसी तरह बनेंगे। देखिए, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो एंड तक देखने के लिए। थैंक्स।